Dear friends, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to discuss the so important topic related to chapter 5 in civics. The name of topic is schooling and education today. यहाँ जब बात कर रहे हैं हम schooling and education today, विद्यालय शिक्षा, विद्यालय को अटेंड करना एंड एजुकेशन टुडे, और शिक्षा आज के समय में क्या परिवर्तन, क्या रूप बदल रहा है, दैट मीन्स यहाँ हम जानेंगे कि किस तरीके से आज के टाइम में कितना महत्वपूर्ण है और कैसे ग्रोथ हो रहा है, कैसे वो इंक्रीज हो रहा है आज के टाइम में विद्यालय जाना बच्चों के द्वारा और माध्यम से. टुडे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन ए लार्ज नंबर. जो आज हम देख रहे हैं लड़कियां और लड़के ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में विद्यालय को अटेंड कर रहे हैं. येट एज वी विल सी, जैसा अब तक हम देखेंगे आगे भी, देर स्टिल रिमेन डिफरेंसेज बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल, बट उतने भारी संख्या में जाने के बावजूद यह देखने में आ रहा है देर स्टिल रिमेन डिफरेंसेज बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. आज भी अंतर मौजूद है, पाया जाता है लड़के और लड़कियों की तुलना में. इंडिया हैज अ सेंसस एवरी 10 ईयर्स, जो कि भारत में जनगणना प्रत्येक 10 सालों पे होती है, विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जो गिनती करता है होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, पूरे देश की आबादी का. इट आल्सो गैदर्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया, और ये यह भी देता है कि उन लोगों के बारे में डिटेल्स, व्याख्या कि कितने लोग भारत में रहते हैं, निवास करते हैं. देयर एज, स्कूलिंग, व्हाट वर्क दे डू, उनके उम्र, उनकी शिक्षा, कितने परसेंटेज विद्यालय को पहुंचते हैं, कितने नहीं जाते हैं, व्हाट वर्क दे डू, क्या वो काम करते हैं, एंड सो ऑन. इन सारी चीज़ों को व्यक्त किया जाता है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, इनका आकलन किया जाता है. वी यूज दिस इंफॉर्मेशन टू मेजर मैनी थिंग्स, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इन सभी प्रकार की सूचनाओं का इस्तेमाल करते हैं टू मेजर मैनी थिंग्स, बहुत सारे वस्तुओं को, बहुत सारी चीज़ों पे, तकनीकी विषयों पे मापदंड करने के लिए, लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, कितने लोग साक्षर हैं, एंड द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन, और उसमें साथ साथ पुरुषों और औरतों का अनुपात, उनका अनुपात क्या है, उनकी संख्याओं का अनुपात क्या है. अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस, अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज एंड मेन, यहाँ जब हम बात करेंगे 1961 की जनगणना के अनुसार, अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज, पूरे लड़कों की तुलना में 40%, दैट मीन्स 100 का 40 हिस्सा, एंड मेन 7 ईयर्स ओल्ड एंड अबव वेयर लिटरेट, दैट इज दे कुड एटलीस्ट राइट देयर नेम्स, कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वोमेन, जहाँ वो लिटरेट का अनुपात था 7%, जहाँ लड़कों का, तो वहाँ यहाँ देख रहे हैं कि तुलना में 15% लड़कियों का. अब हम देखते हैं इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2011, द फिगर्स हैव ग्रोन टू 82% ऑफ बॉयज एंड मेन एंड 65% फॉर गर्ल्स एंड वोमेन, जहाँ वो चीज़ एक तरफ हमारे देखने में आ रहा है कि जो पहले लड़कियों की तुलना ज़्यादा थी, लड़के कम थे, आज लड़कियों की तुलना, लड़के की तुलना विकास ज़्यादा हो रहा है और लड़कियों का कम, यहाँ कहने का मतलब. बट कुछ फैक्ट ये भी हैं, द फिगर्स हैव ग्रोन टू 82% ऑफ बॉयज, आज यह जो अनुमान है, यह जो आकलन है, 82% लड़कों के लिए, लड़के और पुरुषों के लिए, एंड 65% लड़कियाँ और औरतों के लिए. दिस मीन्स दैट द प्रोपोर्शन ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन हु आर नाउ एबल टू रीड एंड हैव ए लिस्ट सम अमाउंट ऑफ स्कूलिंग हैज इंक्रीज्ड, यहाँ जो देखा गया है, इसका मतलब ये कि लड़के हो या लड़कियाँ, दोनों में पढ़ने में वृद्धि हो रही है, उनके विद्यालय शिक्षा में वृद्धि हो रही है और उसकी संख्या बढ़ती जा रही है. अगर हम काउंट करें, एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ स्कूलिंग हैज इंक्रीज्ड, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्कूलों पर ध्यान दिया जा रहा है. बट एज यू कैन ऑल्सो सी, जैसा कि जस्ट आपने इसे भी देखा या देख सकते हैं, द परसेंटेज ऑफ द मेल ग्रुप इज स्टिल हायर देन द फीमेल ग्रुप, द गैप हैज नॉट गॉन अवे, लेकिन जहां तक
यहाँ प्रतिशतता जो पुरुषों की अगर निकाली जाए, उन समूहों की, पुरुष समूहों की इज स्टिल हायर देन द फीमेल ग्रुप, जो आज भी ज्यादा है महिलाओं की समूह की तुलना में। द गैप हैज नॉट गॉन अवे, आज भी वह गैप जो खाली स्थान है उसे भरा नहीं जा सका है और वो आज ही खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ बात आती है इक्वालिटी का। जब समानता की बात आएगी तब वो गैपिंग भर सकता है और आगे बढ़ेगा, बट बात डिस्क्रिमिनेशन इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में असमानताएं और भेदभाव की जो बात आएगी, इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो वो कभी नहीं भर पाएगा। इन चीजों से हमने देखा और समझा। आगे नेक्स्ट में हियर इज अ टेबल दैट शोज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, यह एक तालिका नीचे निम्नलिखित दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हु लिव इन स्कूल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। यहाँ एक ग्रुप दिया हुआ है जिसमें यह प्रतिशतता को शो करता है ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, लड़कियां, लड़के और लड़कियों का, हु लिव इन स्कूल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक वर्गों से आते थे, उन्होंने विद्यालयों को छोड़ा, इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जिसमें मौजूद थे एससी एसटी के लड़कियां और लड़कियां, जिसके यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, जिसका यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। तो यहाँ लेवल फर्स्ट ईयर इज अ लेवल, सेकंड इज ऑल दैट मीन्स डिटेल्स, एंड थर्ड इज द एससी, एंड फोर्थ वन इज एसटी। तो लेवल वन प्राइमरी क्लासेस 1 to 5, अपर प्राइमरी क्लासेस 6 to 8, एंड सेकेंडरी क्लासेस 9 to 10। ऑल में बॉयज गर्ल्स टोटल ये परसेंटेज दर्शाए गए हैं, एससी में बॉयज गर्ल्स टोटल एंड एसटी में बॉयज गर्ल्स टोटल। इसके तुलना में हम देख रहे हैं जहां ऑल की बात आ रही है, तो बॉयज हर एक लेवल में 4.36, 3.49 एंड 17.21, एंड गर्ल्स 3.88, 4.60 एंड द लास्ट 16.88, द टोटल 4.13, 4.03 एंड 17.06। जो यहाँ हम मैच कर रहे हैं तुलना, तो जो टोटल यहाँ पे ऑल में जो आ रहा है उसमें लगभग कंपेयर टू सिमिलर नंबर ऑफ एससी एंड एसटी, एससी एसटी में वो या उससे ज़्यादा संख्या है। तो यह दिखलाया जा रहा है, यह शो करा है कि किस तरीके से एससी शेड्यूल कास्ट एंड एसटी शेड्यूल ट्राइब के लड़कियों का विद्यालय कम जाना, छोड़ना, ये यहाँ पे मूल मुद्दा बना हुआ है। इस तरीके से हम जाना है, इस तरीके से आगे हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस इन द कमिंग नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।